शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 17/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उसमें भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी हैं, तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होती है। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। नंबर 2 है, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। बाबा कहते हैं कि निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में ये क्या, क्यों, कैसे ये कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। क्या स्लोगन है? जो धारण करते हुए वो चलते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा होना है। वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।